हेलो, पता है आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ? तो आइए चलिए देखते हैं। रुको रुको, जाना नहीं है। और अब ये देखो, तो चलिए देखते हैं ये कैसे बने, लेकिन इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले हम अपने करेलों को छील लेंगे इस तरीके से। ये इसलिए मोटे मोटे छीले जाते हैं, इनमें कड़ुआपन ज्यादा होता है, तो हम इसको निकाल देंगे तो ये कड़ुएपन निकल जाएगा। और करेले का एक ये भी रीजन है, हम लोग करेले का छिलका सही से नहीं हटाते हैं। अगर सही से हटा देंगे तो इसकी काफी हद तक बिटरनेस कम हो जाएगी। और करेले को हम इस तरीके से पीसेस में कट कर लेंगे, जैसे ये कर लिए, इसी तरह से हम सारे करेलों को कट कर लेंगे। अब सारे करेले हमने कट कर लिए हैं। अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालूंगी, जिससे इसकी रही बची कड़वापन वो भी हट जाएगा। अब इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर दूंगी। इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। और ये नमक डाला हुआ करेला मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, जिससे इसका जो भी पानी है वो सब निकल जाएगा, कड़वापन भी निकल जाएगा। और जब तक हमारे करेले रेस्ट कर रहे हैं आधे घंटे के लिए, तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। और मसाले के लिए मैंने 5-6 प्याज और 1 गंठी लहसुन की मैंने चॉप कर ली है मसाले के लिए। और ये 2 चम्मच कलौंजी, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 2 चम्मच सौंफ, ये मैंने मसाले रेडी कर लिए हैं। अब हमारा ये आधा घंटा हो चुका है। अब मैं इनको अच्छे से साफ कर लूंगी पानी से। देखिए करेले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, अब ये बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में ये मैं इस तरीके से डाल रही हूँ, सारे करेले इसमें डाल दूंगी इस तरीके से। और देखिए हमने पानी भरा था, इसलिए ये करेलों के बीज सारे बैठ गए थे, इसीलिए हमने करेलों में पानी भर के रखा था। अब ये जो मैंने पहले मसाले तैयार करे, ये सारे मसाले इसमें डाल दिए जाएंगे। उसके बाद ये प्याज भी डाल देंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। मैं तो इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ, आपके जितने क्वांटिटी में हो उसी तरह से आप नमक डाल सकते हैं। अब इसमें मिर्चा, और ये तीखी मिर्च है तो मैं इसको थोड़ी ही डालूंगी। और साथ ही में मैं 2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब मैं इसको पानी डाल के मिक्स कर लूंगी। अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। अब हमारा ये मसाला सब मिक्स हो गया है। अब हम पानी डालेंगे, पानी इतना डालेंगे ये करेले डूब जाए। अब हमने इतना पानी डाल दिया, ये डूब गए हैं। Hello, how are you? I am under the water. अब हम इन्हें इतना पकाएंगे इनका सारा पानी सूख जाए। तो चलिए पकाते हैं। अब हम इनके लिए खूब अच्छे से पका देंगे, इनका पानी सूख जाए तब तक पका देंगे ढककर। पहले हम इनको हाई फ्लेम पर रखेंगे, जब खौलने लगेंगे तो हम इनको लो फ्लेम कर देंगे। चलिए देखते हैं। देखिए हमारे ये उबल चुके हैं, पानी इनका सूख चुका है। अब हम इनको एक दूसरे बर्तन में पलट के इसी कढ़ाई में इनको छौंका लगाएंगे। अब हमने अपने ये करेले एक बाउल में पलट लिए हैं। हम अपनी ये कढ़ाई चढ़ाएंगे। हम अपनी कढ़ाई में सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड भी कर सकते हैं। अब हम 2 मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा
जीरा, अब हम थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अब हम इसमें अपने ये करेले ऐड कर देंगे। आलू को हम खूब अच्छे से भून लेंगे, खूब बढ़िया करारे करारे 10 से 5 मिनट तक ये हम भूनेंगे। जब तक हमारे करेले पक रहे हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब देखिए हमारे ये करेले खूब अच्छे से भुन चुके हैं, अब पूरी तरीके से ये रेडी हैं। ये हम गर्मा गर्म अपनी पूड़ियों के साथ सर्व कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम ट्राई करके देखते हैं। बहुत स्वादिष्ट बने हैं, आप जरूर बनाइएगा, आप जरूर ट्राई करिएगा। और हाँ, हमारी पिछली वीडियो आपने कढ़ी की नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। और हाँ, हमारे मॉम डज एवरीथिंग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।